अब मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ अंदर का। ये हमारा किचन है, जिसे कहते हैं ओवर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज हमारा उत्तराखंड में दूसरा दिन है। सुबह के बज रहे हैं 7:06 और मैं उठ गया था वैसे 5 बजे, पर 5 बजे यहाँ पे बहुत 5 बजे यहाँ पे बहुत अंधेरा था। सुबह बज रहे थे 5 और उस टाइम में मैं फिर दोबारा से सो गया, तो मुझे डर सा लग रहा था भाई वैसे उत्तराखंड में, क्योंकि अंधेरा होता है तो अजीब सा लगता है। और वैसे अंधेरा हुए पूरा का पूरा पहाड़ी और पहाड़ में अंधेरा देख रहे भाई। यहाँ पे जब तुम रात को निकलोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि पहाड़ में अंधेरा क्या क्या होता है। तो कल फटाफट से हम ऊपर से, फिर हम करीब 9 बजे के करीब आए थे ऊपर से। बूंदी बूंदी ये सब शादी का कुछ सामान चल रहा था ना, बूंदी बनते शादी से पहले, आपको पता ही होगा, तो वो बूंदियाँ बन रही थी। तो बूंदी बन के रेडी हो चुकी है ऊपर दादी और के यहाँ पे, अब उनके लड्डू बनने बाकी है। तो लड्डू बनाने के लिए दादी और आवाज़ मार रहे हैं ऊपर से कि आओ फटाफट से लड्डू बनाने के लिए। तो अभी पहले हमें ऊपर लड्डू बनाने के लिए जाना पड़ेगा। तो लड्डू बनाने के बाद मैं तुम्हें आपको अपने पूरे गांव के बारे में दिखाता हूँ कि मेरा गांव कितना बड़ा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, गांव का नाम क्या है, गांव है कहाँ पे एक्चुअली, और गांव बहुत ही सुंदर है। यार चप्पल कहाँ है मेरी? मैं इतनी दूर से दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं चप्पल लेके नहीं आया अपनी। मम्मी और को देखो सुबह सुबह काम पे लग गया वहाँ। मम्मी और चाची तो फटाफट से काम पे लग गए हैं, सुबह सुबह उठ गए थे 5 बजे गेहूँ के लिए, और हम सोए पड़े थे अभी तक। चलो यार पहले मुँह हाथ धुलते हैं। तौलिया तो ले लूँ, टॉवल ले लेता हूँ फटाफट मुँह हाथ धुल के, फिर चलते हैं ऊपर। चलो यार ऊपर चलते आयो। ओए बकरी चलो अंदर, अभी तो बाहर आ गई। बकरी बड़ी सरदाना हमारे यहाँ की, आ जाओ। चलो यार ऊपर ताई और के यहाँ चलते, दादी और के यहाँ पे आ रहे हम। कितने बजे आप पानी भरने के बाद भी बैठे हुए थे उसपे? ये वार में से तो आज फोड़े हम, तब बोल के अम्मी से जा। ताई बनी नहीं बने अभी तक लड्डू? बन तो गए सारे लड्डू यार, अब हमें बुला रहे हैं। चलो यार लड्डू उठते हैं फटाफट से, पहले जूते उतारो यार। यहाँ आ जा भाई, तुझे बैठे पा खाली, आज हम लड्डू फोड़ते हैं यहाँ पे। रात को भी बनाए थे क्या लड्डू? चल यार लड्डू तो बन ही गए। पीछे पड़ गए थे यार, बंदे 12 बजे से उठ के बना रहे। हम सुबह जा रहे हैं, लड्डू तो पूरे बन चुके हैं। मतलब हमने एक दो प्लेट वो बनाई थी, थाली बड़ी वाली थाली जो है वो बना दी थी। और छोटी बकरी तेरे भी क्या हालचाल है, सब बढ़िया? आ जा, छोटी छोटी बकरियाँ हैं यहाँ पे, आ जा। मस्त लग रही है ना बकरिया, ये देखो ये छोटी छोटी चिनकिया। आ जाओ चलो यार अंदर चलते हैं। ग्रेप खा लो ग्रेप। अबे वहाँ पेड़ में से तोड़े क्या? ये हमारा अंगूर का पेड़ है वैसे। से निकलते हैं। गुड मॉर्निंग बोल भैया को, आपको गुड मॉर्निंग बोलो। एक मिनट आया। अबे वो आइडिया की सिम है, वो चेंज हो गई सिम। तुमने दादा पोर्ट नहीं कराई थी क्या सिम? तो पहले मैसेज करना पड़ेगा पोर्ट के लिए। ये वाला फोन देखा किसी ने? 20 साल पुराना ब्रांडेड फोन है। चलो ऊपर आ जाते हैं यार, घूम के आते हैं। अभी ऊपर जो है पाइप देके आनी है पतंग लगाने के लिए। अच्छा पाइप लेके जा रहे हैं। वैष्णवी वैशु चलो चले स्कूल, चलो चले स्कूल।
सांस चढ़ रही है यार ऊपर से। टॉयलेट कर दी इसे हैं भैया के ऊपर, टॉयलेट कर दी। हां ब्लॉग में कर। नहीं 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 नहीं, जल्दी चलो फिर, जल्दी चलो ऊपर, मैं गोदी से उतारता हूँ नहाने के लिए। मैं भी आता हूँ, वीडियो बना रहे। अभी ना आएगा फिर तू, फिर बाद में चलता, मैं भी नहाता। चलो दादा हाई कर दो फिर दोस्तों को, दिखाई दे रहे मेरे को तो, दिखाई नहीं दे रहे। आप दिखोगे, आप दिख रहे हो उस पे, ये कैमरा जो है ना गोले गोले से उस पे दिख रहे हो आप। हाँ अभी वैसे को घुमा रहा हूँ मैं इसमें। चल वैसे तू टॉयलेट मत करती मेरे ऊपर, चल चलो ऊपर पतंग लगाने। अब यार मैं ऊपर मदद कराता हूँ यार इनकी, ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ। हाँ ऊपर से देखने में मस्त लग रहा है। धूप निकल गई है बहुत तगड़ी, और ये पतंग लगाने के लिए चलो यार अभी ऊपर चलते हैं। पहले अभी मुझे चप्पल लेके आनी है पहले एक जोड़ी, क्योंकि मैं जब से दिल्ली से आया हूँ तब से मैं अभी जूते में ही दौड़ा जा रहा हूँ, और मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। वह भाई खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल यूँ सीधी ऊपर, अभी नीचे से चल के आया हूँ मैं। हाँ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नहा के आया हूँ नीचे से, तो कैमरा था नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता, मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगा रखा था। अभी चलते हैं, अभी फ़िलहाल हमें वहाँ जाना है, वहाँ ऊपर, और हम भी नीचे से चल के आए हैं। वो नीचे घर दिख रहा होगा आपको, उधर से यूँ ऊपर तक चढ़ाइए, फिर यहाँ से फिर सीधी यहाँ तक ऊपर तक चढ़ाइए। ये देखो नीचे भाई, इस टाइम पे पहाड़ मस्त लग रहा है। दिन में थोड़ी सी ना धूप सही बेकार सी हो जाती है, तो धूप के कारण जो है थोड़ी पिक्चर्स भी सही नहीं आती है। अभी मेरा मोबाइल होल्डर भी नीचे रखा हुआ है गिम्बल, तो अभी हाथ से ही बनानी पड़ रही है, और हाथ में दर्द हो रहा है, पर कोई बात नहीं भाई, कुछ दिनों की कुछ टाइम की बात है, हाथ से भी बना लेते हैं। हाँ पहले जब बचपन में आता था तो मैं भाग जाता था यूँ, अब आदत सी नहीं है चलने की। हूँ तो वैसे पहाड़ से, पर पहाड़ से होने का मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ी हो भाई, जो यहाँ डेली रहता है उसके लिए वो है पहाड़ से। पर मज़ा आ रहा है यार, अभी देखते हैं दुकान में चप्पल मिलती नहीं मिलती, गढ़वाली चप्पल, पर वो अंकल जो है कुर्सी ढो रहे हैं, ऊपर से ढोते हुए आ रहे हैं, वो देखो वो अंकल कुर्सी ढोते हुए जा रहे हैं, और ये भाई आगे जा रहा है मेरा छोटा वाला गौरव। देख रहे हो अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई, हमसे खाली नहीं चढ़ा जा रहा, उनसे चढ़ा जा रहा है, वो चढ़ के भी आ रहे हैं और उतरते भी जा रहे हैं भाई। सामान ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी काफ़ी रात की बात है यहाँ पे। ये देखो आवाज़ सुनो नेचर की, पक्षियों की आवाज़ कितनी मस्त आ रही ना, सुपर। इसी आवाज़ को सुनने के लिए ये सब चीज़ें दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिलेगी। दिल्ली में तो भाई अपनी सिर्फ गाय बोल रहा हूँ सॉरी गाड़ियों की पीप पीप सुनने के लिए मिलेगी बस। हाँ चलो ऊपर पहुँच तो गया पानी पे, अब देखते हैं ऊपर तक चलते हैं। ये खड़ी चढ़ाई में ना बड़ी आफत ख़राब हो जाती है हालत। हाँ चलो भाई सामान वामान लेके तो आ गए ऊपर से नीचे, यहाँ बहुत महंगा सामान मिलता है यार गढ़वाल में।
जो चप्पल 100 रुपए की मिलती है दिल्ली में वो 150 रुपए की अंकल आ गए थे वही वाले जो भी कुर्सी ढो के जा रहे थे, मैंने दिखाए थे नीचे से, मतलब सॉरी यार नीचे से ऊपर आ गए वो कब की, तो नीचे तो मंडाण लग चुका है कब की। मंडाण मीन्स अपने दिल्ली में म्यूजिक बजता है डीजे, और उत्तराखंड में बोलते हैं मंडाण। नीचे जाने में मजा आता है वैसे, ऊपर आने में जो सजा मिलती है ना उस सजा को पाने के लिए ये मजा लेना भी जरूरी है। जो मेरे 145 रुपए लग गए वो तो दे पहले पैसे। 145 तो 1 रुपए भी नहीं है भाई। दूध की थाली दिखाइए एक बार कैसी है। अबे हाँ। यहाँ की दूध की थाली अलग ही है बिल्कुल जैसे दही का पैकेट होता था। 10 रुपए का दूध 10 रुपए का दूध ऐसी मैं 6 थालियां लेके आया हूं। इस दूध को क्या पिएगा बंदा, इस दूध को बंदा पिएगा क्या, क्या उसके गले में उतरेगा और क्या थैली खत्म। एक गिलास भी दूध नहीं है, आधा गिलास 10 रुपए में। पर ये है कि गांव में मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर कम से कम नीचे जाने के लिए तुम्हें 3-4 घंटे चाहिए, और 3-4 घंटे के लिए नीचे जाने का 150 रुपए किराया भी लगेगा। और ये भी नहीं कि पक्का तुम पहले उसी टाइम पे आ भी जाओगे वापसी, तुरंत वापसी आने में भी बहुत टाइम लगे, शाम को आओगे तो एक दूध की थाली के लिए इतना जाना टाइम लगाना पड़ता है बंदों को। तो ये ऊपर सुविधा मिल जाती है, पर सामान वही मिलता है, बस सुविधा हो जाती है थोड़ी भी। देखो नीचे मंडाण लग चुका है, वहाँ घर में मंडाण चालू हो चुका है। अब फटाफट से मंडाण की तरफ चलते हैं हम भी फटाफट से नाचने के लिए, क्योंकि शाम हो रही है अब, और नाचने का टाइम जो है चालू होने वाला है। तो शायद मैं व्लॉगिंग कर ना पाऊँ, क्योंकि इस टाइम को मोमेंट को मैं फुल इंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन हम फिर भी दिखाएंगे, हम तुम्हें व्लॉग। चलो भाई घर के अंदर तो पहुँच गए, अब मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ अंदर का। ये हमारा किचन है जिसे कहते हैं ओवर। ये देखो यहाँ पे हमारी गैस रखी हुई है, ये तो अभी मॉडर्न ज़माने की गैस है। हम पहले जो है यूज़ करते थे वो हम ये यूज़ करते थे, मिट्टी का चूल्हा ये रखा हुआ है यहाँ पे। ये मिट्टी का चूल्हा हम यूज़ करते थे यहाँ पे, और लाइट वाइट भी सब अभी कुछ सालों पहले ही है, मतलब तब से आई हुई है। नहीं तो यहाँ पे लैंप का यूज़ करते थे, नहीं तो टॉर्च होती थी। ये देखो कितना मस्त लग रहा है किचन यार। चलो हम अभी बना रहे हैं चाय मम्मी और के लिए, क्योंकि मम्मी और जो है खेत में काम कर रहे हैं अभी, और उनके लिए चाय बना देते हैं। चाय बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। चलो चाय बना के तो लेके आए कम से कम, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, गेहूँ काट रहे हैं सुबह से, और कल भी सुबह से लगे हुए थे और आज भी सुबह से लगे हुए हैं। तो सुबह से गेहूँ काटने में लगे हुए, तो इतना हक तो बनता है अपना कि हम जो उनके लिए चाय बना के लेके जाए। और दादा और भी बाहर बैठे हुए तो उनके लिए भी चाय बनाते हैं फटाफट से। चलो ये देखो यार यहाँ घास कितनी सारी हो रखी है, घास नहीं मतलब गेहूँ, सब जगह गेहूँ है। अभी मैं मम्मी और को चाय दे के आया हूँ, और यहाँ गेहूँ में बहुत चलना पड़ रहा है, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो कितनी गेहूँ हो रखी है, ये सब मम्मी और ने काट दी है। अब मुझे सीढ़ी से ऊपर चलना पड़ेगा। चलो आ रहा हूँ, देख रहे हो कितनी छोटी छोटी सीढ़ी है, इन सीढ़ियों से ऊपर चलना पड़ता है इतनी इतनी से। और रात के अंधेरे में सोचो कैसा हाल होता होगा, बिल्कुल रास्ता नहीं है, पूरी खेत भरी पड़ी है। मैं भी यहाँ से गिर गया था, फिसल गया था इस खेत से, फिसलने ही वाला था। ओह चला नहीं जा रहा यार यहाँ से। पहले मैं दादी के साथ आता था यहाँ पे खेत में, दादी यहाँ पे जो है प्याज बोती थी, तो दादी के साथ यहाँ पे प्याज काटता था कभी, प्याज के फिर वो क्या कहते हैं प्याज तो काटता था, और उसके साथ गोबर डालते थे, हाँ गोबर डालते थे, तो गोबर ओबर डालता था दादी के साथ में यहाँ पे। पर अब दादी रही नहीं, कोई बात नहीं, चलो दादी है हमारे मन में। चाय पिया तूने? आपको बात दे रहा था, तब भैया बोला था आ रहा हूं। तुम्हें सुना नहीं? हां मैंने सुना नहीं, सुना था, सुना था ना। हां अब चले ऊपर घूमने। कहां? ऊपर। कहां ऊपर? ऊपर वाले घर में। कहां? अरे मच्छी दादी के घर में, जहाँ पे शादी है। नहीं चलो, मैं तो जा रहा हूँ। कितना ऊपर चल रहा है तू?